व्हाट इज वॉल एंड इट्स टाइप, वॉल क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वॉल, वॉल क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल एंड इट्स यूजेस, और उसके कितने कितने टाइप्स के होते हैं और उसका क्या क्या यूजेस है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वॉल, वॉल क्या होता है, द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ ए बिल्डिंग विच इज यूज टू गिव पार्टीशन इन अ बिल्डिंग आर नोन एज वॉल। किसी भी बिल्डिंग का वह स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो कि उस बिल्डिंग में पार्टीशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम वॉल कहते हैं। वॉल जनरली हम लोग पार्टीशन, बिल्डिंग के अंदर पार्टीशन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड सेफ्टी एंड शेल्टर, और इसका जो सबसे अहम काम है वो हम लोग को यह सेफ्टी प्रोवाइड करता है और एक शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो वॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी बिल्डिंग का। जनरली वॉल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, आउटर वॉल एंड इनर वॉल्स। हम लोग जनरली वॉल्स को दो टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, इनर वॉल्स एंड आउटर वॉल्स। जो इनर वॉल्स होता है जो कि बिल्डिंग के इनसाइड जो पार्टीशन, मेनली पार्टीशन देने के लिए, रूम के अंदर पार्टीशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम इनर वॉल कहते हैं। और आउटर वॉल जो कि बिल्डिंग को कवर अप करने के लिए जो भी वॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम आउटर वॉल कहते हैं। वेयर आउटर वॉल गिव्स इनक्लोजर टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स एंड इनर वॉल्स इज यूज्ड एज अ पार्टीशन वॉल। ओके, तो ये हमारा वॉल हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स, वॉल्स के कितने टाइप्स होते हैं। वॉल्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स अकॉर्डिंग टू टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वॉल को बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है। आज हम लोग उसमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मेनली हम लोग जनरली कंस्ट्रक्शन के वक्त इस्तेमाल करते हैं, उन सारे टाइप्स ऑफ वॉल्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो हमने कुछ 11 टाइप ऑफ वॉल्स को सेलेक्ट किया है। पहला, फर्स्ट लोड बियरिंग वॉल, सेकंड ड्रॉप वॉल और नन लोड बियरिंग वॉल, थर्ड शियर वॉल, फोर्थ रिटेनिंग वॉल, फिफ्थ ब्रिक मैसनरी वॉल, सिक्स्थ स्टोन मैसनरी वॉल, सेवेंथ कोर वॉल, एट प्रीकास्ट वॉल, नाइन पारापेट वॉल, 10 कर्टन वॉल, 11 बाउंड्री वॉल। तो ये कुल 11 टाइप ऑफ वॉल्स है जो कि जनरली कंस्ट्रक्शन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम लोग इस 11 टाइप ऑफ वॉल्स के बारे में जानेंगे एक एक करके। फर्स्ट लोड बियरिंग वॉल, लोड बियरिंग वॉल क्या होता है, द होल स्ट्रक्चर इज rested on wall instead of column। जो load bearing wall होता है उसपे structure का जो भी load आ रहा है वो wall के through ही foundation में transfer होता है। तो इस type के wall का जो main काम होता है वो column के जगह पे इस wall का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम load bearing wall कहेंगे। Load transfer from slab to walls directly through the beam। और इसमें क्या होता है कि जो slab से जो भी लोड आ रहा है, विंड लोड या डेड लोड जो भी आ रहा है, वो बीम के जरिया डायरेक्टली वॉल्स पे ट्रांसफर होते हैं और वॉल्स के जरिया फाउंडेशन में जाते हैं। यहां हमें कॉलम की कोई जरूरत नहीं होती है। स्ट्रिप फाउंडेशन इज अडॉप्टेड फॉर द लोड बियरिंग टाइप ऑफ वॉल। तो मेनली हम लोग इसमें स्ट्रिप फाउंडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हम लोड बियरिंग वॉल टाइप स्ट्रक्चर होगा तो उसमें हम स्ट्रिप फाउंडेशन डालेंगे ताकि वो हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल रहे। तो आइए हम लोग इसको फिगर के मुताबिक भी समझते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो स्लैब का लोड आ रहा है या जो पारापेट वॉल का लोड आ रहा है वो विदाउट कॉलम के सपोर्ट के डायरेक्टली वो सेकेंड स्लैब, फर्स्ट स्लैब पे ट्रांसफर हो रहा है, वहां से फिर वॉल्स के थ्रू फाउंडेशन में ट्रांसफर हो रहा है। तो इस टाइप का जो भी वॉल होगा उसे हम लोड बियरिंग वॉल कहेंगे। तो आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि लोड बियरिंग वॉल क्या होता है।
सेकेंड, नन लोड बियरिंग वॉल्स. नन लोड बियरिंग वॉल्स क्या होते हैं, या उसको हम ड्रॉप वॉल्स भी कहते हैं. दिस टाइप ऑफ वॉल डजंट सपोर्ट फ्लोर और रूफ लोड्स अबव देम. तो इस टाइप का जो भी वॉल होता है, अगर उस पर हम फ्लोर या रूफ का एक्स्ट्रा लोड डाले तो वो उसको भी सपोर्ट नहीं कर सकता है. मतलब कि यह बहुत ही वीक वॉल होता है. इट वॉन्ट कैरी एनी ऑफ द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर अबव इट. जो इसके ऊपर का जो हम वॉल है, जो नन लोड बियरिंग वॉल है, उसके ऊपर का जो भी वेट है वो उसको कैरी नहीं कर सकता, उसके अबव जो भी उसके हाइट के ऊपर हो. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ वॉल आर पार्टीशन वॉल इन द बिल्डिंग. जो हम लोग देखते हैं पार्टीशन वॉल होता है जो बिल्डिंग के अंदर, वो मेनली नॉन लोड बियरिंग वॉल ही होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो भी लोड ट्रांसफर होता है वो बीम के जरिए कॉलम के थ्रू फाउंडेशन में चले जाता है. तो उस वॉल पे हमें लोड कोई असर करता ही नहीं है. तो इस टाइप का जो भी वॉल होगा उसे नॉन लोड बियरिंग वॉल कहेंगे. इट कैन बी शॉर्टेंड और रिमूव्ड विदाउट अफेक्टिंग द बिल्डिंग स्ट्रक्चर. और इसको हम, जाहिर सी बात है, जब इस पे कोई लोड ही एक्ट नहीं कर रहा है तो हम इसे आसानी से रिमूव कर सकते हैं या शॉर्टेंड कर सकते हैं. चलिए इसको हम फिगर के मुताबिक समझते हैं. जैसे कि यह वाल है, यहाँ जो भी लोड आ रहा है इस रूफ पे वो इस कॉलम के जरिए फाउंडेशन में ट्रांसफर हो जा रहा है. तो यहाँ पर ये जो वाल है उसमें हमें, उस पर कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा, तो इसे हम आसानी से इसको तोड़ के हटा भी सकते हैं, क्योंकि इस पर कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा और इसे आसानी से छोटा किया जा सकता है, इसे हटाया जा सकता है. तो इस टाइप का जो भी वाल होगा उसे नन लोड बियरिंग वाल कहेंगे. शियर वॉल. शियर वॉल क्या होता है, कंस्ट्रक्टेड अराउंड द लिफ्ट पिट वाटर सम और स्टेयरकेस टू रिटेन द सॉइल. शियर वॉल जो होता है उसको जनरली हम लोग लिफ्ट पिट के पास या वाटर सम और स्टेयरकेस में ही इस्तेमाल किया जाता है. ओनली इट ओनली वियर्स टू प्रेशर ऑन इट, आइदर विंड और सॉइल प्रेशर और विंड और वाटर प्रेशर. यह सिर्फ दो टाइप के प्रेशर ही एग्जर्ट करता है. जो पहला है विंड एंड सॉइल प्रेशर, चाहे तो यह विंड और सॉइल प्रेशर एग्जर्ट करे या विंड और वाटर प्रेशर एग्जर्ट करे. यूज टू कैरी लेटरल फोर्सेस एग्जर्टेड ऑन द स्ट्रक्चर ड्यू टू विंड अर्थक्वेक एक्सेट्रा. जो इसका मेन काम होता है शियर वॉल का, वो जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसमें जो भी लेटरल फोर्सेस आ रहे हैं, चाहे वो विंड लोड हो या अर्थक्वेक की वजह से आ रहा है, तो उसको ये एग्जर्ट करता है, उसको कैरी करता है. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट इज, इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो ओवरहेड वाटर टैंक इन विच. तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ओवरहेड वाटर टैंक. जो हम लोग ओवरहेड वाटर टैंक बनाते हैं वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें कि इंटरनल प्रेशर क्रिएटेड बाय वाटर, वाटर की वजह से उसमें एक इंटरनल प्रेशर लगता है उस वॉल पे, एंड एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएटेड बाय विंड. और जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो जो उसका ओपन वॉल है उस पे विंड की वजह से लगता है. शेयर वॉल रेसिस्ट ऑल दीज फोर्सेस विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. तो जो भी शेयर वॉल होगा तो वो इस टाइप का जो भी फोर्सेस होगा उसे आसानी से रेसिस्ट कर लेगा बिना किसी डिफ्लेक्शन के. तो इस तरीके का जो भी वॉल होगा उसे हम शेयर वॉल कहेंगे. इस फिगर के मुताबिक आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि ये वॉल आप देख रहे हैं ये मेनली कंक्रीट का ही वॉल है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो कि फाउंडेशन से लेके रूफ स्लैब तक ये थ्रू आउट द बिल्डिंग ये वॉल कंस्ट्रक्ट किया गया है. और इस पे अगर हम यहाँ पे वाटर टैंक लगा दें तो जो वाटर का इंटरनल प्रेशर यहाँ पे एक्ट करेगा और बाहर में विंड का प्रेशर जो भी एक्ट करेगा तो ये इसे आसानी से सह लेगा. तो इस टाइप का जो भी वॉल होगा उसे हम शियर वॉल कहेंगे. ये थ्रू आउट द बिल्डिंग रहता है. नेक्स्ट, रिटेनिंग वॉल. रिटेनिंग वॉल क्या होता है, हम लोग जानते हैं ये रिटेनिंग वॉल अक्सर डैम्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम जो भी हमारा सॉयल एक्सकेवेशन हो रहा है या जो हम फाउंडेशन बना रहे हैं तो उसके बाद जो उस पे
सॉयल वर्क किया जाता है, तो उस पे अगर हमको कोई ऊंचा जगह पे सॉयल को कंटेन करके रखना है तो वहां पे हम रिटेनिंग वाल बना के उसे आसानी से कंटेन कर सकते हैं। बिल्ड टू मेंटेन एन इक्वल लेवल ऑफ ग्राउंड ऑन इट्स टू फेसेस। सिमिलरली जो भी ग्राउंड लेवल, अगर उसका लेवल अलग अलग है, उसको हम लोग मेंटेन करने के लिए इस रिटेनिंग वाल का इस्तेमाल करते हैं। इट इज कंस्ट्रक्टेड अराउंड द प्लॉट बिलो द ग्राउंड लेवल टू रिटेन द सॉयल एट वन एंड। जो कोई भी प्लॉट है अगर वो ऊंचे जगह पे है, तो उसके जो भी ग्राउंड लेवल के नीचे हम अगर रिटेनिंग वाल बना दें, तो वो प्लॉट, तो उसका जो भी सॉयल है वो आसानी से रिटेन होके रह जाएगा। तो वो हमें कोई बिल्डिंग पे कोई असर नहीं उसका होगा, कोई इरोजन वगैरह नहीं होगा। इट कैन बी मेड ऑफ आरसीसी और सीआरएस। इसको हम आरसीसी या सीआरएस से बना सकते हैं। सम अदर टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल्स आर ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, ब्रिक मैसनरी रिटेनिंग वॉल एक्सेट्रा। और इसके कुछ और भी टाइप के रिटेनिंग वॉल्स होते हैं, जैसे ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, ब्रिक मैसनरी रिटेनिंग वॉल। तो इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल्स भी होते हैं। नेक्स्ट, ब्रिक मैसनरी वॉल। ब्रिक मैसनरी वॉल क्या क्या होता है? जनरली हम लोग इसके नाम से ही समझ सकते हैं, जो भी वॉल ब्रिक मैसनरी का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा उसे हम ब्रिक मैसनरी वॉल कहते हैं। द वॉल विच इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ ब्रिक इज नोन एज ब्रिक मैसनरी वॉल। मैसनरी इज यूज टू ज्वाइन द ब्रिक्स इन द वॉल। तो ब्रिक्स को ज्वाइन करके हम जो वॉल बनाते हैं, द थिकनेस ऑफ द वॉल कुड बी 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इस जो जो भी ब्रिक मैसनरी का वॉल है उसका थिकनेस 20 सेंटीमीटर हो या 10 सेंटीमीटर हो सकता है। इन अ सिंगल स्ट्रेच इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 4 मीटर। अगर हम इसे एक साथ बना रहे हैं तो 4 मीटर से ज्यादा ये ऊंचाई नहीं होना चाहिए। अगर 4 मीटर से ज्यादा ऊंचाई हो रहा है तो हमें इस पे कॉलम लगाना बहुत ही जरूरत हो जाती है। इफ इट एक्सीड्स अ कॉलम मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड विद आरसीसी। और वो जो कॉलम होगा आरसीसी का बना होगा। स्पीकर में भी हम लोग समझ सकते हैं ब्रिक मैसनरी वाल। इस बिल्डिंग में ब्रिक मैसनरी, जो ब्रिक वर्क का इस्तेमाल करके, ब्रिक्स का इस्तेमाल करके जो वाल बनाया गया है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, तो ये ब्रिक मैसनरी वाल है। यहाँ हमने कॉलम भी डाला है क्योंकि इसका अगर हाइट हमने जाना था कि 4 मीटर से एक्सीड करे, तो हमें कॉलम डालना, आरसीसी का कॉलम डालना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कॉलम डाल के इस ब्रिक मैसनरी वॉल का इस्तेमाल किया है। तो ये ब्रिक मैसनरी वॉल है। नेक्स्ट, स्टोन मैसनरी वॉल। स्टोन मैसनरी वॉल क्या होते हैं? तो जनरली ब्रिक मैसनरी वॉल के ही तरह, अगर हम कोई भी वॉल स्टोन मैसनरी का इस्तेमाल करके बनाएंगे तो उस टाइप के वॉल को हम स्टोन मैसनरी वॉल कहेंगे। द वॉल विच इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स इज नोन एज स्टोन मैसनरी वॉल। जो कोई वॉल स्टोन मैसनरी का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा उसे हम स्टोन मैसनरी वॉल कहेंगे। इट इज जनरली यूज्ड एबटमेंट्स ऑफ ब्रिज, कंपाउंड वॉल्स और बाउंड्री वॉल। इसका जनरली यूज ब्रिज का एबटमेंट्स बनाने में होता है, कंपाउंड वॉल कंपाउंड बनाने के लिए होता है, बाउंड्री वॉल बनाने के लिए होता है। तो ब्रिक मैसनरी, स्टोन मैसनरी वॉल का इस्तेमाल कंपाउंड वॉल या बाउंड्री वॉल बनाने के लिए ज्यादातर होता है। स्टोन मैसनरी, आप लोग जानते हैं कि ताजमहल पूरा स्टोन मैसनरी का ही वर्क करके वो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। और यहाँ पे जो भी एबटमेंट बनाया हुआ है इसका, वो भी स्टोन मैसनरी का बनाया हुआ है। तो ये उसका जीता जागता एग्जाम्पल है स्टोन मैसनरी वॉल का। नेक्स्ट, कोर वॉल। कोर वॉल क्या होता है? कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फाउंडेशन टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कोर वॉल का जो भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो उस बिल्डिंग के फाउंडेशन से, उस बिल्डिंग का जो भी हाइट है, वो थ्रू आउट द हाइट उस बिल्डिंग के उस वॉल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। द वॉल इटसेल्फ एक्ट एज ए कॉलम। वो जो वॉल है वो खुद एक कॉलम की तरह काम करता है। इट इज बिल्ट टू कैरी द लेटरल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द स्ट्रक्चर।
इसका जो इसके बनाने का जो मेन मकसद है वो उस बिल्डिंग पे आने वाले लेटरल फोर्सेस को एग्जर्ट करने के लिए होता है। इट इज कम्बिनेशन ऑफ शेयर वाल्स, और इस वाल का जो कोर वाल होता है उसमें हम कम्बिनेशन ऑफ शेयर वाल्स की मदद से हम एक कोर वाल बनाते हैं, मतलब कि दो तीन शेयर वाल मिला के हम एक कोर वाल बना सकते हैं। तो इस फिगर में भी आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि यह बिल्डिंग है, इसमें इसके लेटरल फोर्सेस को एग्जर्ट करने के लिए हमने एक्स्ट्रा दो तीन वॉल्स की मदद से हमने एक कोर वाल बनाया है, जो कि थ्रू आउट बिल्डिंग के फाउंडेशन से लेके बिल्डिंग के हाइट तक, थ्रू आउट द हाइट ये वाल बना रहेगा। तो इसी इसी वाल को हम लोग कोर वाल कहते हैं। यहां से ये फाउंडेशन है बिल्डिंग का और ये थ्रू आउट द हाइट पूरे में ये कोर वाल बना हुआ है। नेक्स्ट प्रीकास्ट वॉल। प्रीकास्ट वॉल क्या होता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रीकास्ट मतलब पहले से ही जो कास्ट किया हुआ वॉल है उसे हम प्रीकास्ट वॉल कहते हैं। द रेडीमेड वॉल विच आर कास्ट इन फैक्ट्री एंड वॉक टू साइट टू इंस्टॉल इट, मतलब ये जो भी रेडीमेड वॉल है वो किसी फैक्ट्री में उसको उसको कास्ट किया जाता है और उसे साइट पर लाया जाता है उसको इंस्टॉल करने के लिए, तो उस टाइप के वॉल को हम प्रीकास्ट वॉल कहते हैं। यस, प्रीकास्ट वॉल इज पॉसिबल इन द करेंट वर्ल्ड। सॉरी, यहाँ पे वर्ल्ड मिस्टेकली वॉल लिखा गया है। तो आज की दुनिया जो है वहां पे हम सही है, ये ऐसा पॉसिबल है कि हम प्रीकास्ट वॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने फैक्ट्रीज में वॉल को प्रीकास्ट करके उसे आसानी से हम अपने साइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं। मेनी कंपनीज वाउट दिस टू मार्केट, बहुत सारी कंपनीज है इसको मार्केट में लेके आई है। यू नीड टू स्पेसिफाई द लेंथ एंड हाइट ऑफ द वॉल, उसमें आपके जो स्ट्रक्चर है उसके उसके मुताबिक आपको जो भी हाइट और लेंथ का वॉल चाहिए वो आप खरीद सकते हैं। द वॉल इज कास्ट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द साइट, वॉल को फैक्ट्री में कास्ट किया जाता है और इसे साइट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये फैक्ट्री में कास्ट किया गया, तो ये वॉल फैक्ट्री में ऑलरेडी बना हुआ रहता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये वॉल का कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज में ऑलरेडी हो चुका है। अब इसे हम आसानी से खरीद कर मार्केट से साइट पे लाके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके का वॉल को हम लोग प्रीकास्ट वॉल कहेंगे। नेक्स्ट पारापेट वॉल। पारापेट वॉल क्या होता है? वॉल विच आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, वह वॉल जो कि किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उसे हम पारापेट वॉल कहते हैं। हाइट ऑफ पारापेट वॉल इज 3 फीट, हाइट इसका पारापेट वॉल का हाइट 3 फीट होता है। इस फिगर में भी देख सकते हैं पारापेट वॉल हम किसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वॉल होता है हर बिल्डिंग के लिए, ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है, तो आप इसे देख सकते हैं, ये वॉल जो है इसे हम पारापेट वॉल कहेंगे। कर्टन वॉल। कर्टन वॉल क्या होता है? द वॉल विच आर कंस्ट्रक्टेड विद ग्लास, एल्यूमिनियम और विद स्टील फ्रेम। जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल का जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें ज्यादातर हम कर्टन वॉल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका जो एक्सटर्नल लुक है उसको प्लीजेंट बनाने के लिए हम लोग कर्टन वॉल का इस्तेमाल करते हैं। कर्टन वॉल वो चाहे तो एल्यूमिनियम का बना हो या ग्लास का बना हो, ऑलरेडी फैक्ट्री में मेड रहता है, उसे हम लाके साइट पे इंस्टॉल करते हैं। इट इज जनरली अडॉप्टेड इन ऑफिस, हॉस्पिटल एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग, इसको हम जनरली ऑफिस में या हॉस्पिटल में लगाते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग बना है उसको हम खूबसूरत बनाने के लिए हमने कर्टन वॉल का इस्तेमाल किया है। तो ये जो वॉल है ये कर्टन वॉल है, ये चाहे एल्युमिनियम का हो या ग्लास का हो, तो वो अकॉर्डिंग टू नीड वो वॉल हमें बनाना पड़ता है, तो इसे हम कर्टन वॉल कहते हैं। नेक्स्ट बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल और या कंपाउंड वॉल, ये इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के चारों तरफ कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इट शोज द लिमिट ऑफ प्लॉट, इसे हम किसी भी प्लॉट का लिमिट देख सकते हैं कि हमारा प्लॉट कितने में है।
इट गिव्स अ सेफ बाउंड्री टू द बिल्डिंग, या किसी बिल्डिंग को एक सेफ बाउंड्री प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, ये बिल्डिंग के चारों ओर जो हम एक वॉल बनाते हैं ताकि हमारी जो बिल्डिंग है आउटसाइड वॉल से सेफ रहे, और ये जो वॉल है इसे हम कंपाउंड वॉल या बाउंड्री वॉल कहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है, तो मैं होप करता हूँ कि आप लोग आसानी से इसे समझ गए होंगे। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।